कंट्रोल रूम को एक सूचना मिली थी उज्जैन कंट्रोल रूम को कि जो है उज्जैन बड़नगर रोड पर जो है एक व्यक्ति के साथ लूट की वारदात हुई है, उस पर से जो है हमारे पुलिस जो बीट सिस्टम पे हैं वो FRB और अन्य पुलिस अधिकारी उस तरफ गए और जाके जो है एक राहुल सिंह सिसोदिया जो कि एजेंट है पिन केयर फाइनेंस का, वो उसका ये कहना है कि हम 4 गांवों का कलेक्शन करके ये जो है छोटा फाइनेंस करते हैं, उस पर से जो है ये पैसा लेके आ रहा था और उसको जो है जलाल खेड़ी के पास 2 लड़के मिले बाइक से और उन्होंने इसको टक्कर मारी, चाकू दिखाकर जो है वो बैग और इसका पर्स और मोबाइल छीन के ले गए हैं। इसका कहना है कि बैग में कलेक्शन वाले 60,000 रुपये थे जिसको लेके आरोपी अज्ञात आरोपी फरार हो गए हैं। नाकेबंदी वगैरह की गई थी, अभी तक मिले नहीं हैं। थाना बहरोगढ़ में प्रकरण का मुकदमा कायम करके विवेचना की जा रही है। प्रकरण में जो है CCTV फुटेज और आसपास के जो लोग वहां थे खेतों पर काम करने वाले, कुएं पर, क्रेशर पर, हैंडपम्प पर, उनसे भी बातचीत की जा रही है और संभवतः हम शीघ्र जो है इस वारदात को खुलासा कर लेंगे।